नमस्कार दोस्तों, मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। जो लोग केबीसी में ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनका नंबर आएगा, उनमें से मैं भी एक हूँ, तो ये उम्मीद रखा जाए, ये उम्मीद रखिए, मैं भी रखा हूँ कि कभी ना कभी हम लोग का भी कॉल आएगा। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के सारे प्रश्न पूछे गए हैं, अब जो रजिस्टर्ड नंबर से, मोबाइल नंबर से उन पे कॉल आने की बारी है। तो कॉल कैसे आएंगे दोस्तों? कॉल आने के लिए सबसे पहले उन लोग हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, हम लोग रजिस्ट्रेशन जिस नंबर से किए हैं उसको रेंडमली सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद उन लोग कॉल करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो इस पर है कि आगे क्या क्या होगा और हम लोग को क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। इसको जो लोग कभी ऑडिशन में शामिल नहीं हो पाए हैं उन लोग के लिए नई बात हो सकती है। जिनका अभी तक कॉल नहीं आया है और कॉल आ जाए तो क्या करेंगे, ये थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नहीं तो अपना हाथ से मौका मौका अपने हाथ से जा सकता है, थोड़ी सी गलती होने पे ये मौका फिसल जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं मैं कौन हूँ। दोस्तों, मैं पहले केबीसी के जो बंगला वर्सन है, जो सौरभ गांगुली होस्ट किए थे, उसमें मैं शामिल हो चुका हूँ। हालांकि मैं मनी वगैरह नहीं जीत पाया था और सीट तक नहीं पहुँच पाया था, फिर भी एक्सपीरियंस है तो मैं सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए। तो देखिए, ये मेरा फोटो है, इस पे एक दोस्ती हो गया था। तो वहाँ जब गए थे तो बहुत सारे लोगों से दोस्ती हो गया था, तो उनमें से एक ये लोग प्राइज जीते थे। प्राइज मनी केबीसी के 1,60,000 जीते थे। और ये मैं हूँ, पहले का फोटो है दोस्तों, काफी पुराना हो चुका है। साथ ऐसे तो सेट पे फोटोग्राफी मनाही थी, लेकिन जब प्रोग्राम खत्म हो चुका था तब हम लोगों ने अनुमति लेकर एक फोटो खींचा था यादगार के तौर पे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होगा, यानी जब कॉल आएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों। सबसे पहले कॉल आने पे घबराए नहीं, दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी गलती हो जाती है। पहले आपसे पूछे जाएंगे आपके नाम और आपका पता। आप कोशिश करें कि मोबाइल का टावर आपके आपके एरिया में, जहाँ आपके घर पे जहाँ अच्छा रहता है, उस जगह जाए, वरना कट सकता है। उनका आवाज़ हो सकता है आपको नहीं सुनाई पड़ रहा हो, या आपको उनका आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रहा हो, तो इस सब प्रॉब्लम से थोड़ा बचना होगा पहला। और आपसे पूछे जाएंगे नाम और पते। नाम पता पूछने के बाद आपका नंबर्स को IVR मशीन में डाला जाएगा। उसके बाद मशीन जो है आपसे कुछ और प्रश्न का इंफॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि आपका उम्र कितना है। तो अगर 34 है तो 34 आपको मोबाइल पे प्रेस करना होगा। और आपके एजुकेशन के बारे में पूछेंगे कि आप अगर ग्रेजुएट है तो 1 प्रेस करें, या अंडर ग्रेजुएट है तो 2 प्रेस करें। इस तरह के आपको बता भी दिया जाएगा कि क्या करना है, लेकिन ध्यान से सुनना है। और जब प्रेस करें तो ध्यान से उसको नंबर को जो आपको बोला जाएगा, 1 दबाइए, 2 दबाइए, तो आपको उस तरह ध्यान से दबाना होगा। अगर गलती हो जाए तो सुधारने का एक मौका देते हैं, वो बोलेंगे कि आपने 1 दबाया है। अगर आपको अपना आंसर बदलना है तो उसको आप बदल सकते हैं, एक मौका दिया जाएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन जब वो ले लेंगे तो फिर आपसे प्रश्न पूछने का बारी आएगी। आपसे 3 प्रश्न पहले पूछे जाएंगे। ये प्रश्न होंगे ऑप्शनल, यानी कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 3 प्रश्न, पहला जो 3 प्रश्न होगा उस पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे A B C D, और उसमें से जो आपका आंसर होगा उसे आपको प्रेस करना। अगर ये आंसर है तो 1 प्रेस करें, बी आंसर है तो 2 प्रेस करें, ऐसे बता दिया जाएगा। आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, बस आपको ध्यान से उसको सुनना है, ये सुनना जरूरी है। जब आपके 3 प्रश्न का जवाब आप दे देंगे तब आएगी चौथा प्रश्न। ये चौथा प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें ऑप्शन नहीं रहेंगे। सबसे बड़ा बात यही है कि इसमें ऑप्शन नहीं रहेंगे। आपके पास 4 सेकंड का वक्त होगा, आपको 4 सेकंड के अंदर उनके जवाब देना है। तो जवाब कैसे देना है, सवाल कैसे रहेंगे पहले इसको जानते हैं। प्रश्न कुछ ऐसे रहेंगे कि जैसे पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी कितनी है। तो आपको जितना है दूरी, मान लीजिए या 3,84,000 किलोमीटर है, तो आपको 3,84,00 इस तरह से आपका आंसर देना होगा। यानी आपको इस नंबर को अपने मोबाइल से प्रेस करके देना होगा जवाब, उसमें ABCD नहीं रहेगा ऑप्शन। तो जब ये नंबर दिया जाएगा लास्ट में आपको पूछा जाएगा फिर कि आपने ये जवाब दिया कि आप बदलना चाहते हैं, तो आपको उसमें भी एक बार बदलने का मौका मिलेगा। अगर गलती से कोई बटन प्रेस हो गया जो कि आप नहीं चाहते थे, तो एक मौका उसमें भी मिलता है। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि जब आपके सारे आंसर हो जाए तो वो बोलेंगे कि स्टार प्रेस करें या हैच प्रेस करें, तो इसको आपको प्रेस करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपके आंसर कंप्लीट नहीं होगा, वो आपका इंफॉर्मेशन इनवैलिड रह जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि
बातों को उनका ध्यान से सुनना है, उनके जो इंफॉर्मेशन जो मांगा जा रहा है बड़े गौर से उसको देना है, हड़बड़ाना ही नहीं, सबसे बड़ा बात है, बिल्कुल घबराए नहीं। तो दोस्तों अब जब आपका सारा आंसर आप दे देंगे तो आप इसके बाद जो बारी आएगी ऑडिशन की बारी आएगी, जब आपका आंसर सारे सही होंगे तो उधर से फिर 1-2 दिन के अंदर आपको कॉल बैक किया जाएगा, आपको आपसे पूछा जाएगा क्या ये जिस नाम के व्यक्ति आप हैं कि इससे बात हो रही है, तो आप बोलेंगे हाँ ये मैं ही हूँ। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इतना डेट से इतने डेट के अंदर क्या आपके पास समय है, तो आपके पास समय है, तो आप बोलेंगे हाँ है। तो फिर आपको उस जो जहाँ वेन्यू है जहाँ ऑडिशन होना उस जगह का आपको एड्रेस दिया जाएगा मोबाइल फोन पे, तो उस एड्रेस को आप बड़े अच्छा से नोट करेंगे। हाँ आप पेन और कॉपी साथ में रखेंगे हमेशा, आपको जब केबीसी से फोन आएगा आपको पेन कॉपी रखना है, इसका आपका जरूरत पड़ सकता है, और खासकर ऑडिशन का जब वक्त होगा तब तो रखना ही है, क्योंकि आपको नोट करना होगा ऑडिशन का जगह। तो आपका जहाँ एड्रेस आपका जिस स्टेट के हैं वहाँ का लगभग कैपिटल सिटी में ही देते हैं, तो उसका एड्रेस आपको बता दिया जाएगा, आप कॉपी में उसको नोट कर लेंगे, डेट टाइम सारे लिख लेंगे। और अब आते हैं बात की ऑडिशन पे क्या करना है, ऑडिशन के दिन क्या करना है, कोशिश करें 1 दिन पहले आप नज़दीक पहुंचे, अगर आपके नज़दीक के हैं तब तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूर के हैं तो कोशिश करें पहले कुछ घंटे पहले पहुंचे, उस जगह के बारे में जानकारी ले लें। कभी कभी क्या होता है ट्रैफिक जाम होते हैं, गाड़ी नहीं मिलते हैं, तो ये सब चीज़ से बचे और थोड़ा देर पहले वहाँ पहुँचने की कोशिश करें, 1 घंटा पहले पहुँचे, वहाँ का थोड़ा जानकारी ले लें। आप दोस्तों आपको वहाँ पे क्या क्या ले जाने के लिए बोला जाएगा, आपको फोन पे बता दिया जाएगा कि फोटो कॉपी ले जाना है, आपका एज प्रूफ ले जाना है, एक एड्रेस प्रूफ ले जाना है, और आप ये व्यक्ति है जैसे आपका नाम मान लीजिए अमित शर्मा है, तो आप अमित शर्मा ही है, इसका एक आपका पहचान आइडेंटिटी ले जाना होगा, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, और वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए, ये आप साथ में ले जाएंगे, बता दिया जाएगा आपको उस वक्त, नोट कर लिया जाएगा, नोट कर लेंगे। तो ऑडिशन वेन्यू पे क्या होगा दोस्तों, आधा घंटा पहले आपको लाइन लगा लेना होगा, वहाँ पे लाइन पे लग जाना होगा, आपका चेकिंग होगा वहाँ पे, चेकिंग होने के दौरान फिर आपको अंदर जाने दिया जाएगा, अंदर जब जाएंगे तो वहाँ सीट रखे रहेंगे, उस सीट पे आपको बैठने के लिए बताया जाएगा कि सीट आपका है, इस पे आप बैठे, नंबर सीट पे रहता है कहीं पे भी। तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा ऐसा, वहाँ पे आपको स्क्रीन पे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, उस 10 प्रश्न को आपको जवाब एक कॉपी पे रिटर्न देना होगा, और उसके लिए 30 सेकेंड टाइम रहता है, 10 क्वेश्चन और 30 सेकेंड का टाइम रहेगा, वो ऑप्शनल होंगे, जो भी प्रश्न आप पूछे जाएंगे ABCD आपका ऑप्शन दिया जाएगा, आपको जो आंसर लगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है तो आप ए लिख दें, सबसे पहले पेज जो दिया जाएगा आपको उस पर नाम लिख दें। जब ये हो जाएंगे तो दोस्तों फिर आपके पास आएंगे, एक फॉर्म रहेगा, वो बुकलेट की तरह होगा, बुक की तरह होगा, उस फॉर्म में बहुत सारे प्रश्न रहेंगे आपके बारे में जानकारी के लिए, जैसे कि आपको क्या पसंद है, कोई अच्छा सा घटना जो आपको बहुत याद आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ घटा हो, इस तरह की घटना को आपको उसमें लिखने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद और बहुत सारे इंफॉर्मेशन, वहाँ प्रश्न लगभग 30 प्रश्न आपके रहेंगे और सारे के आपको जवाब देना है, इसे नहीं कि आप इसको छोड़ दें, आपको क्या कौन सा खेल आपको पसंद है, कौन सा हीरो पसंद है, तो आप सोचेंगे नहीं मैं मुझे तो कोई पसंद नहीं है तो छोड़ दूँ, नहीं आपको भरना होगा वहाँ पे, उन लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है कुछ, जो वहाँ पे इंटरव्यू होगा आपका उसके लिए कुछ आपके आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो कैसे जानेंगे। तो जब ये हो जाएगा आपका वो जो बुक, देखिए अगर मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट है जब मैं शामिल हुआ था, तो ये इस तरह हिंदी इंग्लिश में रहेंगे आपको इन्फॉर्मेशन का, ये आपको उस वक्त दे दिया जाएगा जब वहाँ जाएंगे, इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो आपको सारी जानकारी भी मिलेंगे, और जो एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें जो प्रश्न रहेंगे उस प्रश्न का फॉर्म को आप भर करके और जमा कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको वहाँ पे कैमरा रिकॉर्ड होगा, आपको इंटरव्यू होगा, जो प्रश्न पूछेंगे आपको वहाँ रिकॉर्डिंग होगा, आप आंसर जो देंगे वो रिकॉर्ड होगा, और रिकॉर्ड होकर के फिर वो लोग जो लोग वहाँ रहेंगे वो अपना ले जाएंगे, उस रिकॉर्डिंग के बाद जो है जो आप प्रश्न का आंसर पहले दिए रहेंगे जो स्क्रीन पे जो प्रश्न आया उसका, और जो इंटरव्यू देंगे उसके आधार पर आपका फिर नेक्स्ट सिलेक्शन होगा कि आपको मुंबई बुलाया जाएगा, और बुलाने के बाद वहाँ पे फिर आपको जानकारी दिया जाएगा, आप हमेशा कॉपी और पेन रखे, आपको फिर
फिर से एड्रेस दिया जाए कि इतना तारीख को आपके यहाँ आना है। ऐसे तो उन लोग सारे खर्चा दे देते हैं। जब मेन और मेन जो प्रोग्राम होगा उसके लिए जब आपका सिलेक्शन होगा उस वक्त जो आप जाएंगे आएंगे उससे सारा खर्चा आपको दिया जाएगा। पहले आपको खुद अपना पैसे से जाइए आप फिर आइए, तो मैंने उस वक्त जो खर्चे दे देते हैं खाने पीने के खर्च उन लोग दे देते हैं, ठहरने का होटल वगैरह जो करेंगे उन लोग उसका सारा खर्चा उन लोग दे देते हैं। ऐसे फिर आप फोन नंबर एक दिया जाएगा हेल्प के लिए, उस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। जब भी आपके मन में कोई प्रश्न हो उससे पूछ करके जानकारी ले सकते हैं। जो है तैयारी करते रहे केबीसी का, और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।